17 शवाल 3 हिजरी यानी 23 मार्च 625 ईस्वी को मुसलमानों और मुशरिकीन मक्का के दरमियान मदीना मुनव्वरा के करीब उहद पहाड़ के दामन में एक जंग हुई, जिसे गजवाए उहद कहा जाता है। उस जंग में कुछ मुसलमानों की गलती के सबब मुशरिकीन को हावी होने का मौका मिला और 70 के करीब मुसलमान शहीद हो गए। उस जंग में जो मुसलमान शहीद हुए थे, दुश्मनों ने उनकी नाक काट कर उनके हार बनाए और गलों में पहने। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु का पेट चीर कर उनका कलेजा निकाला गया और उसे चबाने की कोशिश की गई। उस वक्त मुसलमानों का गुस्सा इंतहा को पहुंच गया था। यहां अगर इंसानी जज्बात का दखल होता तो जंगे उहद में ये मंजर देखकर हुक्म दिया जाता कि तुम भी गनीम के मकतूलों का इसी तरह मसला करो, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम गनीम के मकतूलों के साथ ये सुलूक हरगिज ना करना। फिर गजवाए हिजाब में दुश्मन का एक मशहूर शाहसवार मरकर खंदक में गिर गया। कुफार ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 10,000 दीनार पेश किए कि उसकी लाश हमें दे दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मुर्दे बेचने वाला नहीं हूँ, तुम अपनी लाश ले जाओ। अगरचे ये दोनों वाकयात जंगी सूरत हाल के हैं, मगर इस बात को वाजे करने के लिए काफी हैं कि ख्वाब मरने वाला किसी भी जुर्म का मुर्तकिब हो, बाद अज मर्ग इस्लाम लाश की बेहुरमती करने की इजाजत हरगिज नहीं देता। नाज़रीन, साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सदर पाकिस्तान जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को खुसूसी अदालत ने संगीन गद्दारी केस में सजाए मौत तो सुना दी, मगर उस फैसले में जस्टिस वकार सेठ ने एक ऐसी बात लिख दी है जिससे शायद कुछ लोगों के नफरत पर मबनी जज्बात को तो तस्कीन मिल जाए, मगर दर हकीकत ये फैसला इस पूरे मुकदमे को ही मशकूक बना गया है। जस्टिस वकार ने अपने फैसले में लिखा है कि अगर सजा पर अमल दरामद से कबल मुजरिम यानी जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ फौत हो जाए तो भी उनकी लाश को लाकर 3 दिन तक इस्लामाबाद के डी चौक में लटकाया जाए। इस बात से कतई नजर के मुजरिम कौन है, उसका कसूर क्या है, तारीख के कुछ सफात पलटिए तो शुरू में बयान किए जाने वाला वाकया नजर से गुजरता है, तो उसके बाद इस फैसले को पढ़िए तो सोचिए कि क्या ये फैसला हमारी तारीख, रिवायात और अकदार के मनाफी है या नहीं। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको लम्हा बलम्हा ऐसी मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहें। नाज़रीन, सवाल ये है कि क्या इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान में इस्लाम के सुनहरी उसूल की पासदारी की जाएगी, क्योंकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान में सरेआम फांसी देने की बात की गई हो। मियां नवाज शरीफ के पहले दौरे हुकूमत में फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए खुसूसी अदालतें बनाई गईं, जिन्हें स्पीडी ट्रायल कोर्ट का नाम दिया गया। उन खुसूसी अदालतों ने सजाए मौत की मुतअद्दिद सजाएं सुनाई और अक्टूबर 1991 में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने ऐलान किया कि पुरतशद्दुद जराइम की रोकथाम के लिए ये सजाएं सरेआम दी जाएंगी, मगर 1992 के अवाइल में चीफ जस्टिस मोहम्मद अफजल जिला ने इस मामले का आज खुद नोटिस लेते हुए सरेआम फांसी देने के फैसले को एक उबूरी हुक्म नामे के जरिए रोक दिया था। 1994 में सुप्रीम कोर्ट के एक 5 रुकनी फुल बेंच ने सरेआम फांसी देने को आईने पाकिस्तान और हुकूके इंसानी के आलमी ऐलानिये की खिलाफ वर्जी करार देते हुए इस पर हमेशा के लिए पाबंदी आयद कर दी। अदालत का कहना था कि सरेआम फांसी देना आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 14 में बयान किए गए इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है और आईने पाकिस्तान हर शहरी के इंसानी वकार के हक को मानता है, चाहे वो कितना बड़ा मुजरिम ही क्यों ना हो। 1994 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत ने बतौर पॉलिसी ऐलान कर दिया कि कोई भी फांसी सरेआम नहीं दी जाएगी। उस ऐलान में खुसूसी तौर पर कसास और दियत के मामले में भी दी जाने वाली सजाओं का जिक्र नहीं था, मगर हुकूमती प्रेस नोट में यह कहा गया था कि सरेआम फांसी चाहे वो बदतरीन मुजरिमों को ही दी जा रही हो, इंसानी वकार और बुनियादी हुकूक के खिलाफ है, इसलिए इस पर पाबंदी लगाई जा रही है। नाज़रीन, जनवरी 2018 में सानिहा कसूर के बाद जैनब केस के मुजरिम अली इमरान को सरेआम फांसी देने के लिए पूरे मुल्क में इत्तफाक राय मौजूद था, मगर कानून में उसकी गुंजाइश ना होने के सबब किसी भी अदालत ने इस फेल की इजाजत नहीं दी। इस सिलसिले में कानून साजी के लिए सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामी नजरियाती काउंसिल से रहनुमाई तलब की। 8 फरवरी 2018 को इस्लामी नजरियाती काउंसिल का 210वां इजलास चेयरमैन
चेयरमैन डॉक्टर किबला अयाज की सरबराही में मुनक्किद हुआ। उस इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर किबला अयाज ने कहा कि सरेआम सजा के हवाले से कुरान पाक में वाज़े किया गया है कि किसी भी मुजरिम को सजा देने के वक्त 30 से 40 अफराद की मौजूदगी जरूरी है और मौजूदा हालात में किसी भी मुजरिम को फांसी की सजा देते हुए उसके अजीज व अकारिब समेत काफी लोग मौजूद होते हैं, जिससे ये मकसद हासिल हो जाता है और सरेआम फांसी देने की जरूरत बाकी नहीं रहती। लिहाजा ये बात तो तय है कि सरेआम फांसी की गुंजाइश ना तो हमारे मजहब में है और ना ही आईने पाकिस्तान में इसकी इजाजत है। फिर ऐसे में जस्टिस वकार अहमद सेठ की जानिब से बाद अज मर्ग डी चौक पर लटकाने का हुक्म क्या हैसियत रखता है? इस हुक्म की कानूनी, शरई और अखलाकी हैसियत तो वाजे हो गई, मगर तारीख में इस फैसले को किस तरह याद रखा जाएगा? अवाम क्या सोचेगी कि उस पर हुक्मरानी करने वाला सदर गद्दार था? फौज क्या सोचेगी कि उसका सरबरा गद्दार था? चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के रहते हुए तीनों अफवाज के सरबराहान क्या सोचेंगे कि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जो शख्स था वो गद्दार था? और इस फैसले का आलमी सतह पर क्या असर पड़ेगा कि जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के दौर में दीगर मुमालिक से जितने मुआहदे हुए वो क्यों ना कलदम करार दिए गए? उनके होते हुए उनकी इमरजेंसी को जिन लोगों ने तौसीक दी उनके खिलाफ क्या फैसला हुआ? ये सवाल हर आम शख्स का है, ये सवाल हर फौजी का है, ये सवाल पाकिस्तान में बसने वाले हर जी शऊर का है। इस फैसले का असर क्या पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।